दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आप यहाँ पे स्वयं देख सकते हैं अपनी पहली अपडेट की। अपनी आगे बढ़ते बात करेंगे, 6 करोड़ फीस भरी फिर भी नहीं दी परीक्षा, परीक्षा इन्होंने नहीं कराई है। अभी बात हो रही है इसमें CGL की, तो CGL में आप देख सकते हैं CGL 23 के लिए जो है 24.74 लाख ने भरे फार्म, महिला SC ST छोड़कर से ली गई 100 रुपये फीस। आप बताइए 6 करोड़ रुपये फीस भरी फिर भी नहीं दी परीक्षा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसमें CGL में जो है 19.72 करोड़ इसमें लाख अभ्यर्थी जो हैं वो गैर हाजिर रहे, मतलब इन्होंने परीक्षा नहीं दी, फीस जमा कर दी है परीक्षा नहीं दी है। कम से कम 6 करोड़ का फ़ायदा सरकार को हो गया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 384 पदों पर जो है भर्ती होने का इंतजार। ये बात हो रही है इसमें जो है स्टाफ नर्स भर्ती की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है सरकार ने इसमें 384 पदों पर जो भर्ती का इंतजार अब ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब जब भर्ती आ ही नहीं रही है। तो आज के जो है लगभग सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि आयोग ने की थी अगस्त के दूसरे सप्ताह में 3648 पदों के लिए विज्ञापन निकालने की घोषणा। मतलब सरकार ने बोल तो दिया था हम अगस्त के दूसरे सप्ताह में जो है विज्ञापन निकालेंगे, किसका, स्टाफ नर्स भर्ती का। तो घोषणा के बाद भी 384 पदों पर जो है शुरू नहीं हुई भर्ती प्रक्रिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब आप वादे कर देते हैं पर उसको पूरा नहीं करते हैं। मतलब सरकार ने बोला था हम 3448 पदों पर जो है स्टाफ नर्स भर्ती की इसमें जो है भर्ती निकालेंगे अगस्त के दूसरे सप्ताह में। अब देख लीजिए अगस्त पूरा निकल चुका है ना, और आज 27 अगस्त हो चुका है। अब ये बताइए और कब निकलेगा विज्ञापन, इंतजार के बावजूद भी जो है नहीं निकाला गया विज्ञापन। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट को अपनी आगे बढ़ते बात करेंगे, इसमें आपने चित्रकूट का नाम सुना ही होगा। डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट में जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बम्पर भर्ती आ चुकी है, और यहाँ पर आपने देखा होगा मार्च से ही जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भर्ती जो है चल रही है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट, मतलब यहाँ पर जो है 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं उसमें संविदा पर जो भर्ती निकाली गई है। आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसके अंदर फॉर्म ये भर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया संविदा पर जो है ये भर्ती आपकी आ चुकी है। तो यहाँ पर फुल टाइम टीचर की है, आपके रसोईया है, चौकीदार है, चपरासी है, यहाँ पर जो है सारी भर्तियाँ इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आवासीय विद्यालय के अंतर्गत भर्ती है ये, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये वाला फॉर्म आप ये भर सकते हैं। ये विज्ञापन कल जारी हुआ, आज 27 तारीख है, आज को अखबार में आ चुका है, सभी अखबारों में आज लगभग जो है अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है 15 सितंबर 2023 तक। इसमें जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट के पंजीकृत डाक के माध्यम से, मतलब स्पीड पोस्ट करा सकते हैं या पंजीकृत डाक के द्वारा जो है रजिस्टर्ड डाक से भी आप ये फॉर्म भेज सकते हैं। फुल टाइम टीचर की वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम टीचर हो सैलरी अच्छी है। सहायक रसोईया हो गया, लेखाकार हो गया, जिसको लिपिक बोलते हैं, पार्ट टाइम टीचर है ना, सैलरी इसमें 9,500 रुपये, इसमें 22,000 रुपये सैलरी। फुल टाइम टीचर के लिए जो है 22,000 रुपये सैलरी इसमें आपको मिलती है, ठीक है। और लेखाकार के अंतर्गत जो यहाँ पे जो है 11,000 सैलरी है लिपिक की, और सहायक रसोईया की जो है 5,000 के आसपास सैलरी है, चपरासी की भी इतनी आती, ग्रुप डी वालों की 5-6 हज़ार के आसपास, और जो है लिपिक की 11,000 रुपये सैलरी होती है। आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, आपको करना क्या, www.chitrakoot.nic.in पर जाके जारी वाला फॉर्म आप ये भर सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी है। तो आप ये देख सकते हैं एक मामला और सामने आया, मतलब अधिक अंक पाने वाले बाहर, कम अंक वालों को नौकरियाँ। बताइए अगर आपके नंबर अगर कम होंगे है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए, ये इसके अंदर सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पर ये अभी देख सकते हैं अधिक अंक वाले जो है बाहर और कम अंक वालों को नौकरी मिल गई सरकारी। बात हो रही है इसमें जो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को जो है ग्रुप डी की भर्ती में 2012 में अधिक जगह कम अंक वाले को जो है नौकरी दिए जाने के मामले सामने आई है, कम नंबर वाले को नौकरी दे दी गई और जो है नंबर जिसका अधिक थे वो है, तो उसकी शिकायत जो है उन्होंने कोर्ट में की है। तो 2014 में जो है इनको जो है उसमें इसको लिखित परीक्षा में इनके 70.62 अंक थे है ना, और जो है उसकी अंक कम थे तो उनको बुला लिया गया, इनको नहीं बुलाया गया। तो ये मामला सामने आया है पकड़ में, अब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ये मामला सही है या गलत है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, अभ्यर्थियों की अगर प्रत्यावेदन दिया है तो उसका अवलोकन किया जाएगा और नियमानुसार जो है कार्रवाई होगी वह सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने जो है NCR सीनियर जो है PRO जी ने जो है कमेंट कर दिया है, यहाँ पर इनका बयान आ चुका है। बात करेंगे अब बीएड वालों की। असम में मैं आपको बताऊं, असम में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है
इसके अंतर्गत बीएड वालों को लिया जा रहा है, मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को जो है असम में शामिल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी असम में शामिल कर लिया गया, पर अभी जो है उसमें निकाला गया है, ये जो है थोड़ा हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा आपको जो है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं असम में जो है भर्ती हो रही प्रथम शिक्षक भर्ती बी एड वाले अंदर हैं, वो आपको अपडेट मिल जाएगी। अभी जो है मुख्यमंत्री जी का आदेश भी नहीं आया है, उसमें जो असम के जो हैं उन्होंने आदेश नहीं किया, पर इन्होंने जो है वो विज्ञापन निकाल दिया। अब देखते हैं क्या रहता है, आप शाम तक अपडेट मिल जाएगी बी एड वालों के लिए। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें जो है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न अगले माह आएगा परिणाम, मतलब बात हो रही है बीपीएससी मतलब बिहार शिक्षक भर्ती में जो है शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है परीक्षा संपन्न हो चुकी है, एक से पाँचवीं तक माध्यमिक उच्च इसमें जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। इसमें जो है पाँचवीं कक्षा के बीएड इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार के आएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह देंगे तो अंदर हो जाएंगे बीएड वाले, नहीं तो बाहर तो हैं ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगले माह आएगा परिणाम। नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करेंगे, इसमें जो है तीन दिवसीय शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, 43 फर्जी अभ्यर्थियों की हुई पहचान। तो यहाँ पर जो है तीसरे दिन जो है 7 फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं, 4 जिलों में इसमें आयोजित की गई थी परीक्षा। यहाँ पर भी कमेंट कर दिया गया है कि असम जो है असम में टीचर को जो है बीएड वालों को अंदर ले लिया गया है, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। ये बात करेंगे आप टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी पीजीटी 186 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन कर दिए गए हैं, ये तो आपके लिए खुशखबरी, 186 विद्यार्थियों को जो है कॉलेज आवंटन हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी सबसे बड़ी खबर है ये, शासन की ओर से पहले इस पर जो है भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, अब जो है अब कॉलेज से जुड़ी इसमें समस्या का समाधान हो चुका है, कॉलेज आवंटन हो चुके हैं ये। वहीं पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो है एक अंक नियुक्ति पाने वाले वंचित अभ्यर्थियों ने सीएमजी का आवास का घेराव किया गया, उन्होंने कहा हमको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सही बात, अब देखते हैं क्या होता है, अपडेट आप शाम तक मिल जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय में जो प्यून की भर्ती आ चुकी है, चपरासी भर्ती, और 7 सितंबर 2023 में आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। आपको फॉर्म कैसे भरना, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, वहीं से जाकर यह फॉर्म आपको भरने को मिल जाएगा। भर्ती जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकाली गई है और 7 सितंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है, 10th और 12th वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं ये। और सैलरी जो है आपको कितनी मिलेगी, इसमें 11,728 रुपये सैलरी मिलेगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो है 12,901 पदों पर इसमें जो है सैलरी आ चुकी है, सैलरी इसमें आपको मिलेगी, मतलब इसमें जो है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय में सहारनपुर में अगर आप लाइब्रेरी अटेंडेंट बनते हैं तो सैलरी आपकी 12,901 रुपये, मतलब 13,000 के अप्रोक्स सैलरी पर बैठेगी। और इसमें जो है प्योन बनते हैं तो आपको 11,728 रुपये, आप देख लीजिए दोनों की योग्यता सेम है, 10th और 12th इसमें मांगी, आप देख लीजिए आपको क्या बनना, ठीक है। और 7 सितंबर इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है। वहीं पर जो है ये इसमें डिस्ट्रिक्ट में जो है भर्तियाँ आ रही हैं, और ये जो है सर आप कौन सी क्लर्क भर्ती की बात कर रहे हैं, लड़के लगातार कमेंट कर रहे हैं सर, इसमें जो है कोर्ट का आदेश स्थायी नियुक्ति के लिए आ चुका है, विश्वविद्यालय में थर्ड क्लास पार्टी में नियुक्ति क्यों कर रहे हैं, मतलब सरकार का आदेश आ चुका है तभी भर्ती होंगी, चपरासी कब तक आएगी इसमें, बहुत जल्द आ रही एडेड कॉलेज के अंतर्गत जो है कुछ जिलों के अंतर्गत चपरासी भर्ती का जो है वो मिल चुका, क्या मतलब क्या, कुछ जिलों में जो है जॉइनिंग लेटर मिला, कुछ जिलों में अभी जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूँ कौन कौन जिलों में है, शाम का वीडियो अपलोड कर दूँगा प्रूफ के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।